पंजाब में चल रही पंचायत चुनावों में सत्ताधारी पार्टी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच जिला गुरदासपुर के एक ऐसे गांव जो विकास को लेकर नेशनल अवार्डी है, वहां भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। गुरदासपुर के गांव छीना के नौजवान सरपंच पंथदीप सिंह, जो पिछली बार सर्वसहमति से सरपंच चुना गया और अपने किए अच्छे कार्य के चलते जिसे नेशनल अवार्ड समेत कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया, और अब इस चुनाव में उसे दोबारा गांव के लोगों ने सरपंच के चुनाव में उतारा है। लेकिन उसको पहले नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने में हाई कोर्ट और चुनाव कमीशन का सहारा लेना पड़ा, और अब नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद उसको विरोधी धड़े की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। और वहीं पंथदीप सिंह चुनावी प्रक्रिया को अमन अमान से करवाने की अपील जिला प्रशासन से कर रहे हैं। नेशनल अवार्डी पिंड छीना, जिन्होंने मेरे पिंड वासियों ने मैं मौका दिता सी 2013 तो लैके 2018 के विच पिंड की सेवा करन दा, जिथों तक मैं अपनी काबिलियत, अपनी एजुकेशन ते लोकां दे साथ दे नाल संभव हो सकिया, वाहिगुरू की कृपा दे नाल साडे पिंड ने ऐसे मील पत्थर साबित किए, ऐसे वड्डियां वड्डियां रकमां दे काम जड़े सी ओह छोटे रकमां दे विच कंप्लीट किए। साडे पिंड दे विच हर गली दा नाम, हर गली दे विच डस्टबीन, इंटरलॉकिंग टाइलों वाली गलियां, स्ट्रीट लाइट, मतलब जिहड़ी एक विकसित शहर दे विच तुसीं नुहार देखण नूं मिलेगी वो साडे पिंड दे विच जिहड़ी नुहार आ वो तुसीं देख सकते हो। मोर दैन 70% जिहड़ा साडे पिंड दा विकास आ वो हो चुका है, तो बाकी रहिंदे विकास दे लई आउण वालियां पंचायतां दे विच मेरे पिंड वासियां ने मैनूं अपील कीती सी कि तुसीं एक बार फिर इलैक्शन दे विच आ के जिहड़े रहिंदे काम आ उहनां नूं पूरियां कीता जावे। अपनी जिहड़ी गल है जी, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वह अकाली दल है, चाहे वह कांग्रेस आ, चाहे वह आप पार्टी है, जां कोई होर राजनीतिक पार्टी है, मेरा उहदे नाल संबंध नहीं आ, क्योंकि मेरा मनना है कि पिंड का जिहड़ा सरपंच आ वह पिंड के लोगों के लिए सरपंच है, वह ना कि किसी पार्टी के लिए सरपंच आ। मेरे पिंड के लोगों की अपील के अनुसार ही मैं सरपंच के लिए अपने नामजदगी कागज जड़े आ दाखिल किए सी, परंतु साडे पिंड दे एक सियासी राजनीतिक संबंध पार्टी नाल रखण वाले, जिन्होंने विरोधी धिर वल्लों साडे जिन्हां नूं काम नहीं सी मंजूर जां जिन्हां नूं लगदा सी कि काम नहीं वधिया कर रहे, उन्हां वल्लों अपने जिहड़े नामजदगी पत्र दाखिल किए गए, तो पिंड दे विच इह प्रचारिया गया कि असीं उपरों ही सरपंच बन के आ रहे हां, असीं सरकार दे बंदे हां, तो सरकारी दबाव सियासी शह दे नाल असीं तेरे कागज रद्द करवा के सरपंच बणांगे। परंतु इस चीज़ नूं नजिठण दे लई साडे वल्लों हाई कोर्ट दे विच इक पटीशन पाई गई सी, उहदे नाल ही चोण कमिश्नर पंजाब, चोण कमिश्नर भारत सरकार, डीसी गुरदासपुर, SSP गुरदासपुर, SDM गुरदासपुर, SSP गुरदासपुर, DGP नूं असीं चिट्ठियां कढ के यह अपील कीती सी कि पिछले 6 महीने तो मेरे पिंड दे विच यह प्रचार हो रहा है कि नैशनल अवार्डी पिंड छीना दे विच नैशनल अवार्डी जो सरपंच है पंथदीप सिंह उहदे नामजदगी कागज जड़े आ उह रद्द करवा के सरपंच बणिया जा रहा। मेरी उन्होंने ये अपील तो हाई कोर्ट के जी असी पटीशन पाई सी उसनों मुख रखते हुए साढ़े नामजदगी पत्र जड़े आ कैंसल नहीं हुए। कुछ ही साढ़े नैशनल अवार्डी पिंड छीना के लोगों एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा, मेरे विरोधी धिर वालों ये वार वार सारे लोगों धमकाया जा रहा कि असी इस बार सरपंची लैनी आ, असी 10 साल बाद राजनीतिक सरकार से आए हाँ, असी सरपंची लैके छड़ांगे, उहदे लई चाहे सानू उस मुंडे दी जां किसे होर दी जान ही क्यों ना लैनी पै जावे। पिंड दे लोक जिहड़े आ उह दहशत दे विच हन, सियासी दबाव दे कारण, राजनीतिक दबाव दे कारण, धार्मिक दबाव दे कारण ये लोग जिहड़े आ उह अपनी जिहड़ी वरतोंवां ताकत आ उहनूं वरत रहे ने, ते पिंड दे लोकां दे विच दहशत दा माहौल है। इस दे संबंध दे विच मैं चोण कमिश्नर पंजाब नूं, DC गुरदासपुर नूं, SSP गुरदासपुर ते होरां नूं चिट्ठियां कढ के यह बेनती कीती है कि मेरे पिंड की चोण जिहड़ी आ उह निरपक्ष चोण होवे, बेशक बूथ दे उत्ते मैं जां विरोधी धिर जिहड़ा कैंडीडेट आ उह बूथ दे उपर ना जाण, पर पिंड दे विच वोटां जिहड़ियां ने उह अमन अमान ते शांति दे नाल जिहड़ियां पाईआं जाण, जो भी लोकां दा नतीजा होवे उह सानूं मंजूर होवेगा। साडे पिंड दे विच इह जिहड़ी इक धमकी दित्ती जा रही है कि असीं बूथ कैप्चरिंग करांगे, असीं डब्बे जिहड़े उह चुक के लै जावांगे, बैल्ट पेपर फाड़ देवांगे, उस चीज़ नूं मुख रखते हुए साडे बूथ नूं अति संवेदनशील एलानन की लोड़ आ, बूथ के उत्ते जिहड़े उम्मीदवार आ उहनां नूं प्रोटैक्शन की लोड़ आ, जिहड़ा फोर्स लगनी आ उह ज़्यादा लगे, वीडियो जिहड़ी रिकॉर्डिंग आ उह साडे बूथ की लगातार होनी चाहीदी आ। साडी प्रशासन नूं इह मंग आ, क्योंकि मैं समझदा पंजाब दे विच्चों छीना पिंड पहला नंबर दे विच आया है, माझे की धरती दे विच्चों पहला पिंड जिन्हें नैशनल अवार्ड प्राप्त किया, तो इस पिंड की आन शान नूं बरकरार रखना
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। वहीं उधर गांव के लोगों का कहना था कि पंचायत के चुनाव गांव की बेहतरी के लिए करवाए जाते हैं और वो चाहते हैं कि गांव में चुनाव अमन शांति से हो और जो भी सरपंच बने उसे काम करने का मौका मिले, किसी पर राजनीतिक या कोई दबाव ना डाला जाए। मैं बेसिकली मैं जूसज रहना है और जो मैं अपने पिंड का जो नाम है टेलीविजन पर देखता है तो मन बड़ी खुशी होंगी है, मन बड़ा फखर हों। तो इस करके मैं उत्थों चल के पिंड आया, पता से इलैक्शन हो रही है। मैं क्योंकि मैं खुद पहला कांग्रेस पार्टी के नाल संबंधित रहा और मैं सरपंच भी रहा पहला सबका सरपंच पिंड का, और मैं प्रशासन को यही गल कहना चाहाँगा कि ठीक है कि जिस बंदे को पावर होंदी है वो अपनी पावर जरूर वरतदा है, पर एक गल का उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि जिहड़ी भी पावर किसी मिनिस्टर नूं किसी एमएलए नूं किसी प्राइम मिनिस्टर नूं मिली आ वो जिहड़ी पावर है वो लोगों की पावर है, और जिहड़े लोग पावर नूं दिंदे आ वो अपनी पावर जिहड़ी आ खो भी लैंदे आ। इस करके मैं जिहड़े भी लीडर इस इलैक्शन दे विच इंट्रस्ट रखते हैं मैं उन्हां नूं जरूर बेनती कहांगा, मेरी ये बेनती है हाथ जोड़ के उन्हां अगे बेनती है कि इस पिंड दे विच जिहड़ी इलैक्शन हो रही है वो लोगों के हत्थां विच इलैक्शन रहण दिओ, उस इलैक्शन नूं जबरदस्ती कमजोर करने की कोशिश ना करो, और जो भी फैसला जिहड़ा आ वो पिंड दे लोग करनगे। इलैक्शन हो रही है साढ़े पिंड, पहला साढ़े पिंड वा उड्डी सी कि अं कागज़ रद्द हो जाएंगे इन्हों के कई कुछ हो जाएगा, पर नहीं होया। हुण ये लोग धमकियां मिलदियां पईआं, इह सुन च आ रहा है कि इत्थे बूथ कैप्चरिंग हो जूगी जां बाहरों गुंडे सद के इदां कम किया, पर अं ये कहना चाहते हैं भी इहो जिहा कोई कम ना किया जाए, पिंड की जिहड़ी इलैक्शन आ सिर्फ पिंड तक ही सीमित रहिण दित्ती जाए। जो लोग पिंड नूं प्यार करदे आ, जो बाहर दे लोग वी इत्थे आ के साढ़े पिंडों आ के साढ़े पिंड की तारीफ करदे, सियासी दखलअंदाजी ना कीती जाए। पिंड की जो सरपंची है सिर्फ पिंड तक ही सीमित रहन दी जाए, क्योंकि जो सरपंच है सिर्फ पिंड का होंगे ना कि किसी सियासी पार्टी का। इस करके अं कहना चाहते दूसरी धिर जी घर सारे जने रल मिल के इलैक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर इलैक्शन होनी चाहिए जी। पिंड वाले ये चाहते हैं जी, मैं भी उ एक ना मैंबर पंचायत वजो कैंडीडेट हाँ। हाँ जी, पिंड जोड़ा माहौल है वो खराब लग रहा, तो जी अपोजिशन पार्टी है वो वालों धमकियां दी जा रही वा कि अं पिंड ये कर देंगे अं वो कर देंगे, लोगों को डराया धमकाया जा रहा वा। तो मैं तो यही मांग करता वा कि जी साडे पिंड की पंचायत की चोण ये बिल्कुल नरोल होनी चाहिए है। ये जेडे पंथदीप जी है नैशनल अवार्डी बंदे है ठीक है जी, और इन्होंने बड़ा नामना खटिया। हाँ जी, तो जी साडे पिंड की इलैक्शन ये बिल्कुल नरोल आधार के उत्ते होनी चाहिए है, किसी किस्म की इतने कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्रशासन चाहिए कि साडा साथ दे। एनस्टार न्यूज़ के लिए कादियां से मुनीरा सलाम की रिपोर्ट।